कुछ चाहिए तुम्हें नासिया? अरे नहीं अम्मी जान, वो तो मैं ऐसी किचन में आई थी आपका हाथ बटाने। अच्छा अब तो ये प्याज रखे, इनको काट दो। ठीक है अम्मी जान। वैसे आपको शेरो शायरी में दिलचस्पी है? हाँ, अगर मेरी शायरी हो तो। अरे फिर तो आपको मेरी शायरी बहुत ही पसंद आएगी। पता है लोग कहते हैं कि मैं ना नौशी गिलानी और परवीन शाकिर के पाए की शायरा हूँ। दरअसल वो ये भूल जाते हैं कि मरने के बाद परवरदिगार को जवाब देना है, इसलिए वो ऐसे झूठ बोल देते हैं। ये क्या हो रहा है? नई नवेली दुल्हन को काम पे लगा दिया है? मैंने नहीं लगाए, ये खुद आई है। तो तुम मना भी तो कर सकती थी ना? मैं क्यों मना कर देती? क्योंकि उसकी शादी को अभी एक ही दिन हुआ है। नाजिया तुम ये सब छोड़ो और जाओ अपने कमरे में। यास्मीन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम मुझे इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो। तुम तमाशा बनाना चाह रही हो तो पहले ही बता दो। मुझे तो लग रहा है कि तुम तमाशा बनाना चाह रही हो। तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है? नई नवेली दुल्हन से काम नहीं करवाया जाता। देखो यास्मीन, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, तुम बिना वजह मेरी नजरों में अपनी इज्जत क्यों खत्म कर रही हो? चलो चलो, मुझे कोई फिक्र नहीं है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो मैं जाके अभी अलाजान को बता रही हूँ। चुगलखोर कहेंगी।